वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पूरे शरीर का रंग को निकालने का, आपका स्किन का कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करके, स्किन को पैरों पे, हाथ, गर्दन का कालेपन को हटा के पूरा शरीर का रंग को निकालने का सिंपल घरेलू तो नुस्खा बताने वाली हूँ। ये काफ़ी इफेक्टिव है, इससे टैनिंग भी दूर होगी और आपका स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव होता है। स्किन के ऊपर सन स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स को हटा के आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन को एनहेंस कर देता है। आप बिना ट्रीटमेंट के आप घर बैठे बैठे आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन को लाइटन ब्राइटन कर सकते हैं, वो भी नेचुरल रेमेडीज यूज़ करके। सो वो कैसे करना है इस वीडियो में कम्प्लीटली आप लोगों को बताऊंगी। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। तो इस रेमेडी के लिए हमें लेना है एक क्लीन बॉल। क्लीन बॉल में ऐड करना चाहिए एक चम्मच चावल का आटा, राइस फ्लोर, और दूसरे इन्ग्रीडियंट आप इसमें ऐड करना है सैंडलवुड पाउडर। मैं यहाँ पे 2 चम्मच सैंडलवुड पाउडर ले रही हूँ क्योंकि ये स्किन पे ऊपर अप्लाई करना है। अगर आप चाहिए तो बॉडी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। सो 2 चम्मच सैंडलवुड पाउडर तो स्किन के लिए है, तो ज़्यादा क्वांटिटी बना सकते हैं। मैं इतना 2 चम्मच सैंडलवुड पाउडर ले चुकी हूँ और इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है 1 चम्मच तुलसी लीव्स पाउडर। ये आपको ऑनलाइन में मिलता है, सुपरमार्केट में, आयुर्वेदिक स्टोर्स में मिलता है, या अगर आप इसको नेचुरली भी बनाना है, अगर आप इसको नेचुरली भी घर पे बनाना है बना सकते हैं। तुलसी लीव्स को धूप में अच्छी तरह सुखा लीजिए 10 दिन तक। जब ये कम्प्लीटली धूप में सूख जाएगा तो इसका पाउडर बना के छान लीजिए, फिर डब्बे में स्टोर करना चाहिए। तो ये थोड़ा लंबे प्रोसेस है, अगर आपके पास उतना टाइम है, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अच्छा वाला नेचुरल क्वालिटी, गुड क्वालिटी वाला तुलसी लीफ पाउडर को आप कर ही सकते हैं। अब ये सारे पाउडर्स को अच्छी तरह मिला लीजिए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसमें ऐड करना है कच्चा दूध, क्योंकि दूध तो हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल होता है, तो इसलिए मैं इसमें कच्चा दूध ऐड कर रही हूँ। इससे आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव होगा, आपका स्किन भी हेल्दी और रेडिएंट हो जाता है। कच्चा दूध हर स्किन टाइप को सूटेबल होता है, इससे आपका स्किन हाइड्रेट होगा, हेल्दी होगा, नॉरिशिंग होता है, इससे आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव होता है। ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, कोई भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका स्किन हेल्दी और रेडिएंट हो जाएगा। ये पैक आपको हैंड्स के लिए, नेक के लिए काफ़ी है। अगर आप पूरा बॉडी को लगाना है तो ज़्यादा क्वांटिटी आप बना लीजिए। इसे कभी भी आप फ्री टाइम मिलता है तब आप इसको बना के यूज़ कीजिए, बहुत इंस्टेंट है और इसे विजिबल डिफरेंस दिखेगा। ये 100% नेचुरल और इफेक्टिव रेमेडी है। आप आपका स्किन क्लीनली वॉश करके पहुँच लीजिए। इसको मैं चेहरे के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, फर्स्ट फेस और बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। मैं स्किन के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, फर्स्ट मैं फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। फेस को अप्लाई करने के पहले अपना फेस को क्लीनली वॉश करना है। क्लेंजर या फेस वॉश जो आप यूज़ करते हो फेस को, उससे अच्छी तरह डीपली आपका फेस को क्लेंज करके ड्राई कीजिए। अंडर आई एरिया छोड़ के पूरा फेस पे इसको यूज़ करना, पूरा फेस पे इसको अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करके ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए। जब 10 मिनट के लिए ड्राई हो जाएगा, इसको स्किन को नॉर्मल पानी से वॉश करके पहुँच लीजिए। ये स्किन के अप्लाई करने का तरीका, और मैं अभी इसको हैंड्स के ऊपर भी अप्लाई करूँगी। आप पूरा बॉडी के ऊपर अप्लाई कीजिए। अभी हैंड्स के ऊपर अप्लाई करना है तो सेम क्लीन बॉडी पे अप्लाई करना है, क्योंकि ये हैंड्स के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ये पैक हैंड्स के ऊपर, ये स्किन पे सारे टैन को, डस्ट को रिमूव कर देता है और इससे आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा, आपका स्किन ब्राइटन और टाइटन होता है। अगर आपका स्किन पे इचिंग है, इरिटेशन है, पिंपल, एक्नी मार्क्स, बैक एक्नी है, उसको हटाने में बहुत मदद करता है और इससे आपका स्किन रेडिएंट और हेल्दी होगा। सैंडलवुड पाउडर इस पैक में है क्योंकि सैंडलवुड पाउडर से सन टैनिंग, सन स्किन का एजिंग, बैक्टीरिया को, सनबर्न, सनराइशेस को दूर करके आपकी स्किन को स्मूथ और फाइन बना देता है, तो इसलिए काफ़ी बेनिफिट्स है। और कच्चा दूध स्किन को हाइड्रेट करता है, स्मूथ बनाता है, नॉरिश करता है, तो ये स्किन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में अवेलेबल मिलता है, आप घर में बना लीजिए और इसको यूज़ कीजिए। इससे आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होने के साथ ही साथ आपका स्किन में काफ़ी फ़र्क दिखेगा, काफ़ी हेल्दी और रेडिएंट हो जाएगा। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। आप इसको ड्राई होने तक छोड़ के आपकी स्किन को वॉश कीजिए। मैं आपको बेस्ट टिप देती हूँ कि अगर आप इसको पूरा बॉडी पे अप्लाई करना है
तो शावर करने के टाइम पे इस पैक को बना के अप्लाई कीजिए। फिर 5 मिनट के बाद आप शावर करोगे ना, पूरा बॉडी क्लीन होगा। और जब शावर करने के टाइम पे कम तो इसको आप स्क्रब करते हुए अप्लाई करोगे तो डेड स्किन सेल्स भी रिमूव होंगे, आपका स्किन भी हेल्दी और रेडियंट होगा। और होल डे आपका स्किन फ्रेश और ग्लोइंग दिखेगा। सो इस टिप को आप फॉलो कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ, और साइड पे बेल आइकन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए।